सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने फिर से आ चुकी हूँ मेरा नया व्लॉग लेकर, जो कि है चौथात्री पूजा के ऊपर। तो यहाँ पे मैं घर से निकल चुकी हूँ और मैं पहुँच गई हूँ, क्योंकि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगा, पर मैं बहुत अकेली थी तो कोई बात नहीं, मैंने बना लिया व्लॉग। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ मेला पर और यहाँ पर मैं एंट्री ले चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस मेले में क्या क्या है। तो वाओ, फूड्स, बुट्टी के बाल और बहुत कुछ। ओहो, तो यहाँ रहा मेरा फेवरेट जायंट व्हील, इसके बिना कैसे मैं रह सकती हूँ। तो यहाँ पे था बहुत कुछ खाने को, मेरा अभी मूड नहीं था खाने का, तो मैं चली सीधे जगधात्री माँ की ओर। तो यहाँ पे कुछ एंट्री गेट था ऐसा, बहुत स्वीट सा था, प्यारा सा बना हुआ था। मुझे सच बताऊँ तो बाहर से ऐसा नहीं लगा था कि अंदर इतना सुंदर कुछ बनाया हुआ होगा, बट अंदर बहुत ही सुंदर बनाया गया था, मुझे बाहर से ऐसा लगा नहीं था। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि शिव जी का मूर्ति सामने आपको देख सकता है, और उनके सामने शिवलिंग है, बट उससे भी पहले वॉल्स वगैरह में बहुत सारी पेंटिंग्स की गई थी, जो कि बहुत ही अच्छे से की गई थी, और वो कुछ ना कुछ डीटी को डिवोट करता था, भगवान के लिए कुछ ना कुछ वो था। बट यहाँ पे सभी कुछ शिव, पार्वती, जगधात्री माँ, इनसे रिलेटेड ही था। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ये जो जगधात्री पूजा होता है, अगर इन शॉर्ट बताऊँ, कम शब्दों में बताना चाहूँ, तो जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान दुर्गा माँ की उपासना नहीं कर पाता है, अगर वो जगधात्री माँ का पूजा करता है, तो उनको उतना ही फल मिलेगा जितना वो दुर्गा माँ की उपासना से मिलता है। तो उतना वीडियो में, और मतलब इस टॉपिक पे और उतना ना जाते हुए वीडियो में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे, यहाँ पे आपको पिक्चर देखने को मिलते होंगे, और यहाँ से मैं अभी देख रही थी तो मुझे दिखा था यहाँ पे बहुत सारे डमरूस वगैरह ऐसे लगाए हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका लगा मुझे डेकोरेशन का। यहाँ पर आपको दिखेगा कि तो ये था माँ जगधात्री माँ की मूर्ति का दर्शन। यहाँ पे मैंने मूर्ति दर्शन किया और उसके बाद मैं पंडाल से निकल कर गई, तो मुझे बाहर बहुत सारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर ज्वेलरीज दिखे। ये हैंडमेड ज्वेलरीज है, जो भी आप अभी देख रहे हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत प्यारे 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 ईयर रिंग्स दिखे। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखे बहुत सारे रिंग, वो भी सुंदर थे बहुत। इसके बाद मैं गई, मुझे बहुत सारे क्यूट छोटे छोटे पर्सेस दिखे, पर मैंने कुछ नहीं लिया, पपीज थे बहुत प्यारे। और उसके बाद में फिर से मुझे मन कर रहा था कि मैं किसी झूले पे जाऊं, पर मुझे यहाँ पे कुछ पैंट दिखे बहुत ही प्यारे थे। ये भी यहाँ पर भगवान की फोटोज़, मैप्स वगैरह थे बहुत सारे, तो कुछ तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे बहुत सालों के बाद ये टॉय ट्रेन दिखा। मन तो कर रहा था कि मैं बैठ जाऊँ, पर मैं अकेले आई थी तो मैं इतना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं इनको देख कर ही चली गई। बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से खाने के स्टॉप पे पहुँच गई, कुछ तो खाने का मन था पर अकेले थी, मन नहीं कर रहा था।
फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। ओह उसके बाद गैस मुझे क्या मिला, मुझे मिला फायर पान। जिंदगी में पहली बार मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा कि मैं इसके बिना कैसे रह सकती हूँ, तो मैंने ट्राई कर ही लिया। मैंने बोला भैया थोड़ा सी से खिलाइएगा, और उन्होंने ऐसे आग लगाया और ऐसे बस लिया, हाथ में लिया, मुझे डराया। फायर पान अच्छा था गाइस, आप भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा था फायर पान। एग्जैक्टली ओहो, बस थोड़ा सा भी ये लोग में दया नहीं है, ठूस दिया मेरे मुंह में बिल्कुल। इसके बाद मैं गई, मेरा मन तो कर रहा था ट्रैम्पोलिन पे कूदूं, यहाँ पे झूलूं, बट मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद मैं गाइस गई, मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे बहुत सारी भीड़ क्यों लगी है, तो सभी लोग लॉटरी खेल रहे थे। लॉटरी खेलना बहुत बुरी बात है गाइस, ये 20 रुपये का लॉटरी था, बहुत सारे सामान थे इसमें, मैंने आज तक कभी नहीं खेला, बट हाँ मैंने सोचा लेट्स ट्राई क्या होता है पता नहीं, क्योंकि मुझे एन्जॉयमेंट चाहिए था तो मैंने एक ले लिया। बट आप बिल्कुल ना ले, लॉटरी एक जुआ है और जुआ बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रैच किया, 281 मेरा यहाँ पे कूपन निकला था, और जैसे ही निकला मुझे पता है क्या मिला, तो गाइस मुझे मेरा कूपन आप कोड देख सकते हैं, मुझे मिला था ये बड़ा सा थाला। तो मैं पूरे मेले में इसी को ले घूम रही थी, और मेरा बहुत बेइज्जती हो चुका था, तो अब मैं चली घर, मुझे बहुत मज़ा आया, बाय। तो गाइस यहाँ पे मेरा व्लॉग होता है एंड, अगर आपने इंजॉय किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा बेल आइकन को, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।